इस वक्त बिहार से एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बिहार में महागठबंधन में वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी का विलय हो गया है। वीआईपी के मुकेश सहनी ने आरजेडी के लालू यादव और तेजस्वी यादव से हाथ मिला लिया है। बता दें कि बिहार में आरजेडी अपने कोटे से वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी को अपने कोटे से 3 सीट देने वाली है, जिसमें से गोपालगंज, झांझापुर और मोतिहारी शामिल हैं। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस चीज़ का ऐलान किया कि मुकेश सहनी यानी कि वीआईपी के मुकेश सहनी अब अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में कर रहे हैं। बता दें कि तेजस्वी ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि मुकेश सहनी का महागठबंधन में स्वागत है। बिहार की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार के महागठबंधन में वीआईपी पार्टी का विलय आरजेडी में हो गया है, जिसमें से वीआईपी को 3 सीटें आरजेडी अपने कोटे से देने वाली है। तो हम लोग इनका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि इनको साथ लेकर के हम चलने का काम करें और इनको भी सम्मान दें। तो उसी तर्ज पर जैसा आप लोगों के जानकारी में है, जैसा महागठबंधन ने ऐलान किया था इसी जगह पे कि 26 सीटें जो है राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी, तो हम राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश सहनी जी को, हमारे पार्टी का निर्णय हुआ कि 3 सीटें जो है वो मुकेश सहनी जी को दी जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी निर्णय है और वो 3 सीटें, पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है और तीसरा जो है मोतिहारी सीट जो है, ये फैसला हुआ है कि ये 3 सीटों पर मुकेश सहनी जी की पार्टी चुनाव लड़े। भले ही अलग पार्टी हो लेकिन हम सब लोग मिलकर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, यानी चाहे इनके सिंबल पे जो कैंडिडेट हो हम भी वो लड़ाई है, चाहे लालटेन पे कोई लड़ रहा हो ये इनकी लड़ाई है और ये एक मजबूत गठबंधन आगे बिहार के भविष्य को देखते हुए केवल लोकसभा ही चुनाव नहीं बल्कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि समय तो ज्यादा नहीं रह गया है और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश जी का तो जब मन है कभी भी खड़ा ले, कभी भी हो सकता है।